बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जम्मू कश्मीर के दो दिवसीय दौरे पर हैं। पीडीपी से रिश्ता खत्म करने के बाद आज शाह पहली बार घाटी के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 65वें बलिदान दिवस पर आयोजित रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेताओं के बयान को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने पूछा कि क्या राहुल गांधी अपने नेताओं के बयान पर माफी मांगेंगे। पीडीपी से गठबंधन तोड़ने के बाद बीजेपी आगामी चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इसी के मद्देनजर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज जम्मू कश्मीर के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। उनके दौरे से पहले चर्चा हो रही थी कि अमित शाह जनसभा में क्या बोलेंगे, क्या वो महबूबा मुफ्ती पर निशाना साधेंगे। शाह ने अपनी रैली में पीडीपी के साथ साथ कांग्रेस पर जमकर भड़ास निकाली। शाह ने कहा कि महबूबा सरकार ने विकास का संतुलन बिगाड़ दिया था, लेकिन जम्मू और कश्मीर का विकास और उसकी सुरक्षा हमारा एकमात्र उद्देश्य रहा है और यही वजह है कि हमने घाटी के हक के लिए सरकार से अलग होने का फैसला लिया। इस दौरान शाह कांग्रेस पर भी जमकर बरसे। उन्होंने गुलाम नबी आजाद और सैफुद्दीन सोज के बयानों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष को घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता बयान देते हैं और लश्कर ए तैयबा उनका समर्थन करती है। उन्होंने सवाल किया कि क्या कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इसके लिए माफी मांगेंगे। साथ ही शाह ने पूछा कि राहुल गांधी बताएं कि कांग्रेस और लश्कर के बीच क्या संबंध है। आपको बता दें कि पिछले दिनों कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने बयान दिया था कि क्या ऑपरेशन ऑल आउट नागरिकों को मारने के लिए चलाया जा रहा है, जिस पर लश्कर ने उनके बयान का समर्थन किया था। इसी को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस को घेर रही है और आज बीजेपी अध्यक्ष ने भी उन पर जोरदार हमला बोला है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।